एक जंगल में कालू नाम का एक हलवाई रहता था। वे बहुत लालची था। वे कद में जितना छोटा था, शरीर से उतना ही मोटा था। उसके दुम बड़े मटके के आकार की थी। उसके मिठाई की दुकान बहुत मशहूर थी। वो मिठाई बेच के खूब पैसे कमाता, लेकिन अपने लालचीपन की वजह से वे मिठाई में बहुत मिलावट करता था। मिलावटी मिठाई के दाम भी ऊंचे रखता था। वो अपने ग्राहक से ज्यादा पैसे वसूल करने की कोशिश करता और लालची होने के साथ साथ बहुत मीठी मीठी बातें करके पंछियों को उल्लू बनाता। एक दिन कुछ मिठाई लेने के लिए कुछ ग्राहक उसकी दुकान पर आई थी। उसने अपनी दुम पे हाथ फेरते हुए कहा, अरे टोनी बहन, आओ आओ, सारी की सारी ताज़ा मिठाई है। लड्डू, बर्फी, जलेबी, जलेबी पेड़ा, गुलाब जामुन, सब ताजे ताजे हैं। क्या लोगी, कितना तोलूं? टोनी ने कहा, कालू भैया, बड़ी महंगी मिठाई है तुम्हारी। कालू ने मुस्कुराते हुए कहा, टोनी बहन, ऊंचा दाम अच्छा नाम, ऐसी मिठाई पूरे जंगल में नहीं पाओगी। पेड़े और जलेबी बिल्कुल शुद्ध शीरे से बनवाता हूँ। कालू भैया, ये पेड़ा तो आज का बना लग नहीं रहा। कालू हलवाई ने चिढ़ के कहा, अरे टोनी बहन, ये पेड़े तो मैं अभी अभी ताज़ा बने हुए कारखाने से लेकर आया हूँ। खुशबू से अंदाजा लगा लो मेरी बहन। इसी प्रकार से वो अपनी मिठाइयाँ बेचा करता था और बहुत से पैसे कमा रहा था। फिर भी उसके मन में लालच आता जा रहा था। उसने एक दिन कोयल के व्यारी से संबर किया, जो मिलावटी कपड़े का व्यार करता था। हलवाई ने उससे मिलावटी खोया खरीदना शुरू किया, जो उसे कम दाम में मिल जाता था, और वो उससे मिठाई बना के बहुत से पैसे कमाता था। लेकिन इस तरह वो पंछियों की सेहत और धन दोनों के साथ खिलवाड़ कर रहा था। कालू हलवाई की पत्नी ने एक दिन उसको रोका और कहा, अरे आप ऐसा मत किया कीजिए, ये मिलावटी खोया आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आ सकता है। कालू ने गुस्से में आकर अपनी पत्नी से कहा, अरे तू मेरे काम में टांग ना उड़ाया कर, व्यार में ये सब तो करना ही पड़ता है। एक दिन बहुत सारे ग्राहक कालू की दुकान से बहुत सारी मिठाइयाँ खरीदने आए। कुछ घंटों के बाद बहुत से पंछियों को फूड पॉइजनिंग हो गई। जिसने भी कालू की मिठाई खाई, वो सब के सब बीमार होके अस्पताल पहुंच गए। ये खबर पूरे जंगल में फैल गई। पुलिस कालू की दुकान पे पहुंच गई। थानेदार ने कालू से कहा, अरे तुम्हारी मिठाई खाके बहुत से पंछी बीमार हो गए हैं, तुम्हें हमारे साथ थाने चलना होगा। अरे मेरी मिठाइयों में तो कोई दोष नहीं, गर्मी बहुत पड़ रही है, जंगल का मौसम भी खराब है, आप मेरी मिठाई खाके तो देखिए। फिर कालू ने धीरे से कहा, आप कहें तो घर के लिए 2-4 किलो तोल दूं। थानेदार ने अपने सिपाहियों से कहा, इन मिठाइयों के सैंपल ले लो, इनको लेबोरेटरी में भेजना होगा और कालू को थाने ले चलो। कालू गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। उसके लालच ने उसे सलाखों के पीछे भेज दिया। जैसी करनी वैसी भरनी, लालच बुरी बला है। एक समय की बात है कि रानीपुर का जंगल बहुत हरा भरा और सुंदर था। उस जंगल में तमाम पंछी बहुत शांति और सुख के साथ अपना जीवन बिता रहे थे। उस जंगल में 4 मित्र, मीनू चिड़िया, कालू कौवा, मिट्ठू तोता और बोनी उल्लू रहते थे। उन सब की दोस्ती की मिसालें सारा जंगल दिया करता था। एक शाम वो सब मित्र बैठे बातें कर रहे थे। अरे मित्रों, आज मौसम कितना अच्छा है, दिल चाहता है आज कोई काम ना करूं
और बस बैठ के ठंडी हवा का मजा लूं। ऐसा लगता है कुछ समय में बारिश भी होगी। अरे हाँ, मौसम तो अच्छा है, लेकिन सच बताऊं, अब मेरा जंगल में दिल नहीं लगता। सोच रहा हूँ शहर चला जाऊं और वहाँ जाके कोई काम करूं। अरे दूर के ढोल सुहाने होते हैं, शहर में जंगल जैसा जीवन कहाँ मिलेगा? वहाँ ऐसी आजादी बिल्कुल नहीं है। मैं एक दो बार शहर जा चुका हूँ, लेकिन जंगल जैसा जीवन कहीं नहीं है। हाँ कालू भैया, मिठू भैया ने ठीक कहा, शहर की जिंदगी बस दूर से अच्छी लगती है। जंगल में हमें जीने की कितनी आज़ादी है और साफ आबो हवा भी है, और यहाँ पे हम ताज़ा फल भी खाते हैं। ये सब हमें और कहीं नहीं मिलेगा। और इस आज़ाद जीवन और आबो हवा ने मुझे क्या दिया है? मेरा एक कज़न शहर में रहता है, उसकी ज़िंदगी की क्या ही बात बताऊँ। मैंने फैसला कर लिया है, मैं शहर जाके रहूँगा। तमाम मित्रों के समझाने के बावजूद कालू कौवा किसी की बात नहीं सुनता और अपना घर और जंगल को छोड़ के शहर चला जाता है। जंगल के तमाम पंछी पहले की तरह अपना जीवन बिता रहे होते हैं। कालू कौवे के मित्र उसको अक्सर याद भी करते हैं, लेकिन कालू कौवा शहर के जिंदगी की रंगीनियां देख के उनमें खो जाता है। अरे मित्रों, हमारा मित्र कालू कौवा शहर जाके हमें भूल गया है, उसने तो कभी हमें मिलने का भी नहीं सोचा। हाँ मिठू भैया, कालू भैया तो लगता है सच में हमें भूल गया है, लेकिन मेरी प्रार्थना है हमारा मित्र जहाँ रहे खुश रहे। लेकिन उसे हमें मिलने तो आना चाहिए, ऐसी भी क्या मसरूफियत, वो हम सबको एक बार मिलने तो आ सकता है ना। दूसरी जानिब कालू कौवा शहर जाके बिल्कुल बदल गया था, उसके ख्यालात भी बदल गए थे। वो गांव के जीवन और वहां के पंछियों को बेकार समझने लगा था। उसे अपने पुराने जंगल के मित्रों से मिलना भी बिल्कुल पसंद ना था। अरे अच्छा हुआ, मैंने शहर आने का फैसला कर लिया, जंगल में तो मैं अपना समय बर्बाद कर रहा था। वहाँ के जाहिल गवार पंछियों के साथ, उन्हें क्या मालूम शहर की जिंदगी कितनी सुंदर और मॉडर्न है। कालू कौवा शहर में सुबह से रात तक बहुत मेहनत करता और फिर पैसे कमाता। काफी समय के बाद उसे एहसास होना शुरू हो गया कि शहर का जीवन कितना मुश्किल है। जंगल में उसे बहुत आज़ादी थी, लेकिन वो इस बात को मान नहीं सकता था, क्योंकि उसने सब की बात को टाल के शहर आने का इरादा किया था। उसे अपना जंगल और मित्र बहुत याद आ रहे थे। सुबह से रात तक वो इतनी मेहनत करता कि रात में बहुत थक जाता। और मेरे सब मित्र बिल्कुल ठीक कहते थे, जंगल जैसा जीवन कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने उनकी एक ना सुनी, काश मैं उनकी बात मान लेता। कालू कौवा अपनी सोचों में गुम बैठा था कि वहाँ पर शहर के बदमाश कौवे आ जाते हैं, वो उसका खूब मजाक बनाते हैं। अरे अरे देखो, जंगल से पेंडू कौवा शहर आया है, हो हो हो। वो बदमाश कौवे कालू कौवे को बहुत मारते पीटते हैं, यहाँ तक मार मार के उसे गंजा कर देते हैं। उससे उसकी तमाम जमा पूंजी, तमाम पैसे और सब चीजें लेके भाग जाते हैं। कालू कौवा सारी रात वहाँ बैठ के रोता रहता है और वे बहुत दुखी होता है। कालू कौवे का दिल टूट जाता है, उसे अपने जंगल के साथी मित्र बहुत याद आते हैं, क्योंकि अगर वो उसके साथ होते तो कभी भी उन बदमाश कौवे को इतनी हिम्मत ना मिलती कि कालू कौवे को मार पीट कर सके। अगली सुबह कालू कौवा वापिस अपने जंगल में आ जाता है
और अपने मित्रों से मिलता है। उसके मित्र उसकी हालत को देख के परेशान हो जाते हैं। कालू कौवा उनको सारी बात बता देता है और बहुत ज्यादा रोने लगता है। अरे कालू भैया, हमने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि जंगल जैसा जीवन, मित्र और आजादी शहर में नहीं मिल सकती। हाँ कालू भैया, पर आपने हमारी एक बात ना सुनी थी। हमने तो आपको समझाने की बहुत कोशिश की थी। अरे हाँ मित्रों, आपकी बात तो ठीक थी। मैंने उस वक्त आपकी कोई बात नहीं सुनी, मुझे माफ कर दो। ओ, 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 ओ। मैंने गलती की थी और उसकी सजा भी मुझे मिल गई है। कालू कौवे के मित्र उसको गले से लगा लेते हैं और उसको हौसला देते हैं। कालू भैया रो नहीं, ये अच्छी बात है कि आप हमारे पास वापस आ गए। हम सब आपके साथ हैं और अब हम सब मिलके एक साथ रहेंगे। अरे हाँ कालू भैया, हम सब आपके साथ हैं। तुम्हारा जंगल में स्वागत है। कालू कौवा अपने मित्रों से मिलके बहुत खुश होता है और उसे इस बात का एहसास हो जाता है कि अपने मुखलिस दोस्तों को छोड़के कभी नहीं जाना चाहिए। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमारा जीवन हमारे मित्रों के साथ है। उनसे अलग होके हम किसी मुश्किल का सामना नहीं कर सकते।